नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का प्राथमिकता के आधार पर हो वितरण, बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की न होने पाए समस्या। अवैध रूप से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने वाले गैंग के 4 सदस्यों के ऊपर खजनी थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा किया दर्ज। एसपी साउथ ने कहा, अभियुक्त एक ही जमीन का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कई लोगों को थे बेचते। गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। UPSSC द्वारा आयोजित पेट परीक्षा 67 केंद्रों पर साकसल हुआ संपन्न। 32,688 परीक्षार्थियों में से 22,234 परीक्षार्थी परीक्षा में हुए शामिल। 10,454 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। ADMCT विनीत कुमार सिंह ने दी जानकारी। जिला पंचायत सदस्य का बांसगांव थाना क्षेत्र में हर्ष फायरिंग की घटना का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। एसपी साउथ ने कहा, मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। UPSSC द्वारा आयोजित पेट परीक्षा में MSI इंटर कॉलेज में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले सॉल्वर पंकज पटेल को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महाराणा प्रताप महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। मुख्य अतिथि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह ने कहा, मातृभाषा में चिंतन और सांस्कृतिक अस्मिता की संवाहक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सेवा की दृष्टि से शिक्षा ग्रहण करना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल मंत्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है महंत दिग्विजय नाथ के राष्ट्रवादी विचारों का समावेश। जनपद में पेट परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को 200 से अधिक बसों के माध्यम से परिवहन निगम के द्वारा पहुंचाया जा रहा है उनके गंतव्य को। परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा, आवश्यकता के अनुसार दूसरे डिपो के बसों को भी बुलाकर अभ्यर्थियों को बैठा कर भेजा जा रहा है घर। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्त वीरेंद्र निषाद को राजगढ़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1.5 किलोग्राम नाजायज गांजा किया बरामद, भेजा जेल। डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ गोरखपुर के तत्वावधान में 10वीं जिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का किया गया आयोजन। विभिन्न विद्यालय के 160 बच्चों ने किया प्रतिभाग। 50 ने स्वर्ण, 48 ने रजक तथा 41 बच्चों ने कांस्य पदक किए अर्जित। डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ गोरखपुर के सचिव गुलशेर सिंगल ने कहा, प्रत्येक अभिभावक को अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलने पर भी देना चाहिए ध्यान। और जनपद में अगले 2-4 दिनों में सरयू और राप्ती नदी के जलस्तर के घटने की है संभावना। बड़हलगंज और गोला को 2 जोन में विभाजित कर जिला स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में किया गया नामित। बाढ़ से प्रभावित 240 गांव में करीब 300 नाव और 12 मोटर बोट की सहायता से राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर है जारी, जिला आपदा विशेषज्ञ ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण करें और किसी को कोई दिक्कत ना हो, अगर आवश्यकता हो तो NDRF SDRF के माध्यम से राहत सामग्री का वितरण किया जाए। जिन घरों में बाढ़ का पानी चला गया है उनको फूड पैकेट उपलब्ध करवाया जाए तथा गाँव में नाव की व्यवस्था किया जाए जिससे किसी बाढ़ पीड़ित को किसी तरह की समस्या ना हो। उन्होंने कहा, जिन गांव में पानी घट रहा है वहां पर दवाओं का छिड़काव किया जाए, मेडिकल कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाए। इस अवसर पर ADG जोन अखिल कुमार, DIG जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, ADMCT विनीत कुमार सिंह, SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई, मुख्य अग्निशमन अधिकारी DK सिंह, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर, CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। उनके साथ ही साथ मेरे मुख्य सचिव महोदय और अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारियों का जो सभागार मौजूद है और आगामी त्योहारों की तैयारियों और उन्हें संपन्न कराने के लिए दृष्टिगत बुलाई गई है।
और मैं सबसे पहले तो प्रियंका जी का बधाई देना चाहता हूँ कि पूर्व में जो अभी तक जो त्यौहार हुए चाहे वो नवरात्रि का त्यौहार हो और अभी आज ही हाल में अभी जो पीईटी के एग्जाम हुए हैं उनको सकुशल संपन्न कराने के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने में पुलिस और प्रशासन के अलावा अन्य बहुत सारे विभाग हैं जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा है, खाद्य रसद है, विद्युत, पंचायती राज, नगर विकास इत्यादि। इन विभागों के भी सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर सभागार में मौजूद हैं और खेल के भी इन विभागों के अधिकारियों को आज बीसी में आमंत्रित किया गया है। इन सभी विभागों को इनके दायित्वों के बारे में विभाग स्तर से भी और यहाँ पे मुख्यालय स्तर से भी शासन से भी अवगत कराया जा चुका है कि इनको क्या क्या करना है। विभाग है, चिकित्सा स्वास्थ्य है, पंचायती राज है, नगर विकास और ऊर्जा, इनके द्वारा सचिव में अपने जो कार्य योजना है आगामी त्योहारों के संबंध में उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष चाहिए समस्या नहीं है। पानी का घटना भी शुरू हो गया है, गांव के अंदर सर पानी नहीं है सर, गांव के चारों वहां पर उन लोगों के लिए जिनके घरों में पानी घुस गया तो उनके लिए भोजन पैकेट की क्या व्यवस्था है, नौकाओं की क्या व्यवस्था है, सूखा राहत के लिए राशन की आदि की व्यवस्था क्या है? सर कुल 6 ग्राम पंचायतें हैं जो इससे प्रभावित हैं। अगर गांव के अंदर स्वयं जिला प्रशासन करें और कंट्रोल रूम स्थापित करते हुए किसी भी बाढ़ पीड़ित को किसी भी स्तर पर कोई समस्या न हो इसके बारे में। इसमें सर जो हमारा जिस ये डुमरियागंज इतवा और सोहरतगढ़ का पानी घटने लगा है सर, लेकिन पूरा दवा बासी स्थिति पर आया हुआ है सर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ राहत कार्यों की स्थिति क्या है। राहत कार्यो में सर अभी तो जो गाँव में लोग हैं सर उनको दो टैक्स दिया जा रहा है, जहाँ पर ये जो आग्रह बनाए वहाँ पर पहुँचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं सर। उपयोग किया जाए एनडीआरएफ एसडीआरएफ और पीएसी के जो फ्लड यूनिट लगी हुई है इनके स्टीमर लोगों को राहत देने के लिए होना चाहिए, वहाँ पे घूमने के लिए नहीं और वहाँ पे लोग पर्यटन करने के लिए जाएं इसके लिए उसका इस्तेमाल न करने दें। बात समझ में जो उससे खजनी थाने की पुलिस ने कोर्ट रचित पेपर तैयार कर जमीन बेचने वाले 4 सदस्यों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार कर एक जमीन को कई लोगों को बेच देते थे, जिसको देखते हुए चारों अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी पहचान रणजीत सिंह उर्फ रिक्कू सिंह पुत्र परमहंस सिंह निवासी राजे सुल्तानपुर जनपद अंबेडकर नगर, दूसरा पंकज शर्मा पुत्र माता प्रसाद निवासी चाड़ीपुर कला थाना राजे सुल्तानपुर जनपद अंबेडकर नगर, तीसरा अमरनाथ निगम पुत्र रामवृक्ष निगम निवासी बहुरीपार थाना बांसगांव गोरखपुर, चौथा उर्मिला देवी पत्नी भोला सानी निवासी बेलहरा पीड़िया बाजार थाना महुली जनपद संत कबीर नगर के रूप में हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना क्षेत्र खजनी में दो महिलाओं के नाम से जमीन थी, एक सातिर गैंग जो किसी भी व्यक्ति की जमीन पे किसी दूसरे को खड़ा करके बैनामा करा लेता था, उन लोगों ने इन दो महिलाओं के स्थान पर दो महिलाएं खड़ा करके और उनका बैनामा लगभग 4-5 लोगों को अलग अलग बैनामा करा दिया। जब इन महिलाओं को पता चला उनकी जमीन खारिज दाखिल के लिए नोटिस आई तो उन्होंने थाना खजनी पर आकर के क्रेता के खिलाफ मुकदमा लिखाया। इस मुकदमे की पड़ताल में ये पता चला कि क्रेता भी ठगे गए, वस्तुतः एक गिरोह है जो फर्जी महिलाओं को खड़ा करके उसने बैनामा कराया है। विवेचना से इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ, इसमें संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर के लोग भी शामिल हैं। दो महिलाओं में से एक महिला की शिनाख्त हो गई है, एक महिला और 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी होने के बाद उनके विरुद्ध
चार्जशीट गई है, जिसके आधार पर आज इनके विरुद्ध थाना खजनी में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग लिखा गया है। शेष अभियुक्तों की तलाश जारी है, उनके विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर जब आरोप पत्र लगेगा तो उन्हें भी इस गैंग चार्ट में शामिल किया जाएगा। जनपद में यूपीएसएससी द्वारा आयोजित पेट की परीक्षा 67 केंद्रों पर साकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर में पेट परीक्षा के लिए 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 4 पालियों में एग्जाम हो रहा है, जिसमें कुल 130,000 से ज्यादा बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा साकुशल संपन्न हुई है, जिसमें हर पाली में 22,000 से ज्यादा बच्चे उपस्थित रहे। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है और सभी परीक्षा केंद्रों को 23 अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार भ्रमणशील रहकर ड्यूटी कर रहे हैं। विद्यार्थियों के आने जाने की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। रैन बसेरों में भी रुकने के लिए विद्यार्थी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि पेट परीक्षा में 32,688 में से 22,234 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 10,454 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों और एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, काम करना बहुत विशाल कुमार। एग्जाम का कैसा गया था? अच्छा हुआ सर, पहले भी एग्जाम दिया हुआ? जी सर, पिछली बार दिए थे। कैसे, किस तरह के क्वेश्चन है सर? इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं और बढ़िया लगा देने में पेपर, और बाकी अभी मन में है तो क्या बताएं सर। आज पेपर देंगे, बहुत अच्छा फील हो रहा है। कहाँ से आए पेपर देने के लिए? सिद्धार्थ नगर से। अनिश सिंह। किस तरह के पेपर आए थे? ऐसे पेपर काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कुछ अंक तालिका जैसे वगैरह सब थोड़े डिफरेंट थे, अलग थे। रसड़ा। किस तरह के आज पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन आज थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चन आए थे, कल के अपेक्षा थोड़ा अलग था आज। जैसे आज पेपर देखे? पेपर मतलब वही पोर्शन वही थे, लेकिन आज थोड़े जो आज ग्राफ टेबल थे वो थोड़े कल से ज़्यादा डिफिकल्ट थे, जैसे हर ऑप्शन के ऑप्शन थे। वंशिका पांडे। एग्जाम पर किस तरह के क्वेश्चन आए थे, कैसा रहा? पेपर ठीक ठाक आया था, पर मतलब जो जिसने तैयारी की थी वो अच्छे से दे सकता था, पर वो टाइम का कुछ इशू था, क्योंकि जो रूम है उसमें क्लॉक की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो कन्फ्यूज़न था टाइमिंग का कि किस हिसाब से कितने क्वेश्चन पर कितना टाइमिंग देना है। किस तरह के क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे, मतलब अच्छे भी आए थे, बहुत इजी में भी आए थे और बहुत नॉर्मल में भी आए थे। पहले भी एग्जाम दिया? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम था। आप कहाँ से आए हैं? जौनपुर से हैं। प्रेम प्रकाश वर्मा। जीएस जो थे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन तो थोड़ा इजी थे, बाकी ग्राफ के क्वेश्चन कुछ उलझाए हैं, तो ग्राफ का क्वेश्चन था उसमें समय का बाउंडेशन था, इसलिए थोड़ा उसमें टाइम लगा। जी पहले दे चुके, एक बार दे चुके। आज का पेपर कैसा रहा आपका? मॉडरेट था जी, इजी था। कहाँ से आए पेपर देने के लिए? सिद्धार्थ नगर से आए, वहाँ बलरामपुर के पास, उधर बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा है। अर्जु सिंह। कैसा रहा? अच्छा था। इससे पहले भी एग्जाम दिया या? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। क्वेश्चन किस तरह किस टाइप के आए? क्वेश्चन ग्राफ से ज़्यादा थे, और करेंट्स भी था, और हिस्ट्री से था, बस ये इंग्लिश उंग्लिश था। क्या लग रहा आज का पेपर? क्या अभी तो रिजल्ट बताएगा, ऐसे कैसे पता चलेगा? कहाँ से आई हैं?
मऊ से। गोरखपुर जनपद में कुल 67 सेंटर बनाए गए हैं और जिसमें 15 तारीख और 16 तारीख को दो पालियों में, कुल चार पालियों में एग्जाम होना है और टोटल 32,688 बच्चे प्रति मीटिंग यहाँ पे, टोटल 130,000 से अधिक बच्चे एग्जाम देंगे। अभी तीसरी पाली का यानी कि आज 16 तारीख की प्रथम पाली का एग्जाम चल रहा है और परीक्षा शांतिपूर्वक चल रही है। कल 15 तारीख में दोनों पालियों का एग्जाम शांतिपूर्वक व्यतीत हुआ है, कहीं से किसी प्रकार की कोई मुन्ना भाई टाइप के परीक्षार्थी या किसी गलत व्यक्ति की कोई सूचना या नहीं प्राप्त हुई। दोनों मीटिंगों में लगभग 22,000 के आसपास प्रथम पाली में और उतने ही लगभग द्वितीय पाली में भी बच्चे उपस्थित रहे। क्या 67 परीक्षा केंद्रों पर हमारे सभी केंद्रों पर एक प्रशासन की तरफ से स्टेटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा पूरे 67 केंद्रों को 23 अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। ऑन एवरेज 3 केंद्रों पर एक सेक्टर बनाया गया है और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगातार भ्रमणशील होकर ड्यूटियाँ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो प्रशासनिक मजिस्ट्रेट हैं उनको भी लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट से और शहर में भीड़ की दृष्टिगत रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इन सभी जगहों पर सुविधा प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों को व्यवस्था की गई है। जो हमारे रैन बसेरे हैं उनमें भी विद्यार्थियों को अगर रुकना है तो उनके लिए भी हमारी तरफ से निर्देश था नगर निगम और डूडा को कि कोई भी विद्यार्थी आता है तो उनको प्राथमिकता के आधार पर रैन बसेरों में रुकने की व्यवस्था दी जाए। बांसगांव थाना क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य का हर्ष फायरिंग की घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक हर्ष फायरिंग की घटना वायरल हो रही है। इस घटना की छानबीन करने पर पाया गया कि यह घटना बांसगांव थाना क्षेत्र के लोनाव गांव की है। इस संबंध में बांसगांव थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हर्ष फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान अरविंद राय उर्फ बिट्टू राय के रूप में हुई है, जो कि जिला पंचायत सदस्य है। जांच में पाया गया कि यह वर्षों पहले जन्माष्टमी पर की गई हर्ष फायरिंग का मामला है, जिसको देखते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, सोशल मीडिया पर एक हर्ष फायरिंग की घटना वायरल हो रही है। इस घटना के बारे में जानकारी करने पर पता चल चुका है कि यह घटना थानाबास गांव क्षेत्र के लोनाव गांव की है। इस संबंध में थानाबास गांव पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। हर्ष फायरिंग करने वाले की पहचान हो चुकी है। साथ ही साथ अब तक की जांच से यह भी पता चला है कि ये वर्षों पुराने जन्माष्टमी के अवसर पर की गई हर्ष फायरिंग का मामला है। विधि के अनुसार साक्ष्य के क्रम में विधिक कार्यवाही अतिशीघ्र पूरी कर ली जाएगी। कोतवाली थाने की पुलिस ने यूपीएसएससी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी अजय कुमार मौर्य ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को एमएसआई इंटर कॉलेज से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान पंकज पटेल पुत्र राम मिलन पटेल निवासी मदियापार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त दूसरे परीक्षार्थी प्रफुल्ल सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह निवासी कोतवाली रोड मोहल्ला फारूक जनपद पीलीभीत के स्थान पर सॉल्वर के रूप में परीक्षा दे रहा था। परीक्षा में पास हो जाने के बाद इसके सरगना श्रीकांत यादव व पुत्र अज्ञात निवासी खदेरू अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा 20,000 से 30,000 रुपए दिए जाने की बात सामने आई है, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी अजय कुमार मौर्य, बख्शीपुर चौकी प्रभारी आशीष कुमार पांडे, कांस्टेबल अनिल कुमार यादव, रोहित कुमार यादव शामिल रहे। पापा का नाम? घर कहाँ है? क्यों पकड़े गए हो? पेपर संबंध तो क्या कर रहे थे? गया तो पेपर देने।
किसका किसके बजाय में लिखा हुआ है ना? अरे बोलो यार, किसके बजाय में दे रहे थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा में मौलिक चिंतन पर बल देकर मूल पहचान को समझने तथा सांस्कृतिक अस्मिता के प्रति दृढ़ रहने का मार्ग दिखाती है। मातृभाषा में शिक्षा होने, अपनी मूल संस्कृति व पहचान पर गौरव की अनुभूति होने पर ही शिक्षा के मूल तथा व्यवहारिक राष्ट्रीय व सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रोफेसर सिंह रविवार को महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूषण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसका क्रियान्वयन विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। महाविद्यालय के बीएड विभाग तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की तरफ से आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हमें लैब से लैंड तक की यात्रा का लक्ष्य लेकर समुदाय की सहभागिता भी सुनिश्चित करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल मंत्र है सेवा की दृष्टि से शिक्षा ग्रहण करना। यह नीति बहुविषयक शिक्षण व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए हमें संकुचन से विस्तार की ओर ले जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थी में अंतर्निहित शक्तियों को पहचानने और उसके अनुरूप कौशल विकास के लिए कई विकल्प हैं। प्रोफेसर सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ का स्मरण करते हुए कहा कि यह तीनों ही महापुरुष राष्ट्रवादी शिक्षा के पक्षधर थे। 1967-68 की तत्कालीन शिक्षा नीति को लेकर महंत दिग्विजयनाथ ने इसलिए ऐसा मत व्यक्त की थी कि वह नीति राष्ट्रवादी शिक्षा के प्रतिकूल थे। उसमें मातृभाषा और बालिकाओं की शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के विचारों का समावेश दिखता है। उन्होंने कहा कि दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में हुए मंथन से निकले अमृत से सभी शिक्षा संस्थान लाभान्वित होंगे। संगोष्ठी के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद प्रसाद गुप्त ने कहा कि अपना देश आजादी मिलने के बाद से 75 वर्षों तक शिक्षा व्यवस्था में औपनिवेशिक मानसिकता से त्रस्त रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी मानसिकता से मुक्त कराने का प्रयास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें अपने मूल संस्कृति व पहचान व परंपरा का स्मरण करा रही है। शिक्षा का महत्व सांस्कृतिक अस्मिता के जागरण के लिए होता है और यह नीति गुलामी के हर चिन्ह को मिटाते हुए इसी जागरण का प्रयास है। प्रोफेसर गुप्त ने कहा कि राष्ट्रीयता से ओतप्रोत शिक्षा के क्षेत्र में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का अद्भुत योगदान है। 1932 में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ द्वारा स्थापित इस परिषद का शैक्षिक अभियान पूर्व में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ तथा वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अनवरत गतिमान है। इस अवसर पर मार्गदर्शक उद्बोधन में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को विश्व गुरु बनाने का विजन है। इस विजन को एक्शन में बदलने की आवश्यकता है और यह तभी संभव होगा जब हम इसे एक मिशन के रूप में लें। विजन के अनुरूप एक्शन लेने का मिशन शुरू करने के लिए हमें क्रिएटर की भूमिका में आना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के महत्व को समझते हुए ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ 1932 में ही क्रिएटर की भूमिका में आ गए थे। उनके बाद इस भूमिका का निर्वहन महंत अवैधनाथ ने किया। वर्तमान में उसी भूमिका के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी मोर्चों पर आगे ले जा रहे हैं। समापन सत्र में संगोष्ठी के संयोजक सचिव महाराणा प्रताप महाविद्यालय में बीएड विभाग के अध्यक्ष शिप्रा सिंह ने दो दिनों में विषय पर हुए मंथन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। संचालन महाराणा प्रताप महाविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध कुमार मिश्र ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राव, माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक भगवती सिंह, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारी सदस्य, शिक्षा परिषद के सभी संस्थानों के प्रमुख, शिक्षक, शोधार्थी व छात्र मौजूद रहे। संगोष्ठी में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षा संकाय की आचार्य प्रोफेसर सुषमा पांडे की अध्यक्षता में आयोजित तृतीय तकनीकी सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर कई शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इस सत्र के विषय विशेषज्ञ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी मिश्रा रहे।
सह अध्यक्षता गोरखपुर विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने की। प्रतिवेदक की भूमिका महाराणा प्रताप महाविद्यालय की सहायक आचार्य डॉक्टर दिव्या पांडे ने निभाई, जबकि संचालन डॉक्टर विभा सिंह ने किया। चौथे तकनीकी सत्र की अध्यक्षता शकुंतला मिश्रा, पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में शिक्षा संकाय के डीन डॉक्टर रजनी रंजन सिंह ने की। विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी व डॉक्टर विवेक नाथ त्रिपाठी ने अपनी बात रखी। इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को लेकर अपनी कार्य योजना भी प्रस्तुत की। तकनीकी सत्र में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व चेयरमैन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर डीपी सिंह ने कहा कि जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल कर पाना असंभव नहीं है, इसके लिए जरूरत अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पहचान कर सही दिशा में आगे बढ़ने की है। उन्होंने बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए समर्पित भाव से जुटने की सीख दी। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का प्राथमिकता के आधार पर हो वितरण, बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की न होने पाए समस्या। अवैध रूप से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने वाले गैंग के 4 सदस्यों के ऊपर खजनी थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा किया दर्ज। एसपी साउथ ने कहा, अभियुक्त एक ही जमीन का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कई लोगों को थे बेचते। गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। UPSSC द्वारा आयोजित पेट परीक्षा 67 केंद्रों पर सकुशल हुआ संपन्न। 32,688 परीक्षार्थियों में से 22,234 परीक्षार्थी परीक्षा में हुए शामिल। 10,454 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। ADM सिटी विनीत कुमार सिंह ने दी जानकारी। जिला पंचायत सदस्य का बांसगांव थाना क्षेत्र में हर्ष फायरिंग की घटना का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। एसपी साउथ ने कहा, मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। UPSSC द्वारा आयोजित पेट परीक्षा में MSI इंटर कॉलेज में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले सॉल्वर पंकज पटेल को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महाराणा प्रताप महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। मुख्य अतिथि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह ने कहा, मातृभाषा में चिंतन और सांस्कृतिक अस्मिता की संवाहक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सेवा की दृष्टि से शिक्षा ग्रहण करना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल मंत्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है महंत दिग्विजय नाथ के राष्ट्रवादी विचारों का समावेश। जनपद में पेट परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को 200 से अधिक बसों के माध्यम से परिवहन निगम के द्वारा पहुंचाया जा रहा है उनके गंतव्य को। परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा, आवश्यकता के अनुसार दूसरे डिपो के बसों को भी बुलाकर अभ्यर्थियों को बैठा कर भेजा जा रहा है घर। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्त वीरेंद्र निषाद को राजगढ़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1.5 किलोग्राम नाजायज गांजा किया बरामद, भेजा जेल। डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ गोरखपुर के तत्वावधान में 10वीं जिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का किया गया आयोजन। विभिन्न विद्यालय के 160 बच्चों ने किया प्रतिभाग, 50 ने स्वर्ण, 48 ने रजक तथा 41 बच्चों ने कांस्य पदक किए अर्जित। डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ गोरखपुर के सचिव गुलशेर सिंगल ने कहा, प्रत्येक अभिभावक को अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलने पर भी देना चाहिए ध्यान। और जनपद में अगले 2-4 दिनों में सरयू और राप्ती नदी के जलस्तर के घटने की है संभावना। बड़हलगंज और गोला को 2 जोन में विभाजित कर जिला स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में किया गया नामित। बाढ़ से प्रभावित 240 गांव में करीब 300 नाव और 12 मोटर बोट की सहायता से राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर है जारी, जिला आपदा विशेषज्ञ ने दी जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
गोरखपुर परिवहन निगम के द्वारा पेट परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को 200 से ऊपर बसों के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके संबंध में परिवहन विभाग के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने बताया कि जनपद में 4 पालियों में एग्जाम हुआ है, जिसमें कुल 1,20,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। यह बच्चे जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, फैजाबाद से यूपी पेट का एग्जाम देने आए हैं। इनका सेंटर सोनौली, सिद्धार्थनगर, पडरौना पड़ा हुआ है, जिसको देखते हुए सभी अभ्यर्थियों को बसों से भिजवाया गया है। इस समय परिवहन विभाग के पास 100 अनुबंधित बस, 50 निगम की बस है। इन दोनों बसों के माध्यम से परीक्षा देने आए अभ्यर्थी व उनके गार्जियन को भिजवाया जा रहा है। यहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा होने के कारण भीड़ काफी हो रहा है, जिसको देखते हुए अन्य डिपो के बसों को भी चलवाया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर से लगभग अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 200 बसों से ज्यादा को लगाया गया है, जो उनको उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने कहा, ऐसा है। देखिए, गोरखपुर में 2 दिन में 4 पाली में एग्ज़ाम था, 1,20,000 बच्चे हैं, 30,000 पर पाली बच्चे हैं। ये बच्चे जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, फैजाबाद से आए हैं एग्ज़ाम देने। इनका सेंटर सोनौली, सिद्धार्थनगर, पडरौना पड़ा हुआ है। कल तो बच्चों को भिजवाया गया है, अभी पेपर ख़त्म होगा, इन लोग को फिर भिजवाना है। हमारे पास 100 अनुबंधित बसें हैं तथा 50 निगम की बसें हैं, इन दोनों से भिजवाया जा रहा है यात्रियों को। इसके अलावा प्रदेश क्षेत्र के अन्य डिपो की भी, बाहर की भी बसें लगी हुई हैं। एकाएक बच्चों के आ जाने पे भीड़ हो जा रहा, उसको धीरे धीरे करके भिजवाया जा रहा है। देखा जाए बच्चे की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, किस तरह परिवहन निगम बच्चों को पहुँचाने का कार्य कर रहा है? नहीं, बच्चे सबसे आ रहे हैं, बस से भी आ रहे हैं, ट्रेन से भी आ रहे हैं, जहाँ ट्रेन की सुविधा है ट्रेन से जा रहे हैं, जहाँ नहीं है बस से आ रहे हैं। तो क्षेत्र की बसें लगी हैं, उन्हीं से उनको भिजवाया जा रहा है। हमारे डिपो की तो देखिए 150 बसें हैं, इसी तरह राप्ती नगर की बस है 125, क्षेत्र में लगभग 500 बसें निगम अनुबंधित की लगी हुई हैं। आवश्यकता पड़ने पर अनुबंधित को भी भेजा जा रहा है।
राजघाट थाने की पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान वीरेंद्र निषाद पुत्र मोहन लाल निषाद निवासी अमरुद मंडी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 1.5 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया है। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, टीपी नगर चौकी प्रभारी कुंवर गौरव सिंह, कांस्टेबल पवन यादव, देवेंद्र यादव शामिल रहे। नाम अरे खुला दो ड्राइवर, हमें खुला दो बुलाए। डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ गोरखपुर के द्वारा आयोजित 10वीं जिला चैंपियनशिप का आयोजन सिविल लाइन स्थित एक निजी मैरिज हॉल में संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व सहजन व विधायक प्रदीप शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया, जिसके संबंध में कार्यक्रम के संयोजक व सचिव गुलशेर सिंह गिल ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ गोरखपुर के द्वारा 10वीं जिला चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न विद्यालय के विभिन्न भार वर्गों में 160 बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 50 बच्चों ने स्वर्ण पदक, 48 बच्चों ने रजत पदक तथा 41 कांस्य पदक अर्जित किए। उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे गलत संगत के कारण गलत दिशा में जा रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेलने पर भी ध्यान दें, ऐसा खेल खेलने से मानसिक और शारीरिक शक्ति का विकास होता है, प्रत्येक अभिभावक को अपने बच्चों को खेलकूद के लिए अधिक प्रेरित करना चाहिए। इस प्रतियोगिता में के रूप में शंभू कुशवाहा, सुनील गुरंग, ओम प्रकाश यादव, सुधांशु, ऐश्वर्या कौशल, शक्ति सिंह और अभिषेक, ममता ठाकुर, श्रेया मिश्रा, इंदु पाठक, रंजीत कौशोदन, आकाश, अमित, अनिकेत, अमन सक्षम, अमन सिंह रहे। इस अवसर पर मनोज गौड़, देवीलाल गुप्ता, राहुल गुप्ता, मुकेश, अनुराग खेमका आदि लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए 10वीं जिला चैंपियनशिप के संयोजक व डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ गोरखपुर के सचिव गुलशेर सिंह गिल ने कहा, अब लग रहा है धर्मेंद्र भैया गोरखपुर में कि कार्यक्रम हो पूरा
मेरा नाम है मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ गोरखपुर का, गुलशेर सिंह गिल। सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ गोरखपुर के तत्वाधान में हम ये 10th डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैम्पियनशिप करा रहे हैं, जिसमें हमारे एयरफोर्स के ओल्ड प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट के बच्चे भी हैं, शामिल हैं। जैनित कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं, पारसनाथ के बच्चे हैं, JP स्कूल के बच्चे हैं, अपने क्या कहते हैं ये एयरफोर्स और आपका ये KV स्कूल के बच्चे हैं, ये सब ने पार्टिसिपेट्स किया है। तो ये बच्चे मिलके आज चैम्पियनशिप खेल रहे हैं। इस डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में जो गोल्ड मेडल सिल्वर मेडलिस्ट होंगे वो आने वाली स्टेट चैम्पियनशिप जो कि लखनऊ में हो रही है उसमें प्रतिभाग लेंगे। ये आपकी 5th और 6th नवंबर में हो रही है सर। बाहर से भी बच्चे भाग लिए और बाकी जिलों से? हाँ जी सर, स्टेट चैम्पियनशिप में आपके जितने स्टेट्स हैं सब वहाँ पे शामिल होंगे सर। क्या संदेश देना चाहेंगे और बाकी? मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल का टाइम है जो बच्चे अपने ये गलत संगति के कारण या अपने बैड मैनर्स के कारण ये बच्चे गलत साइड जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को मैं ये बोलना चाहूँगा बच्चों को कि बच्चों को अभी ये खेलने के साइड अपना ध्यान डाइवर्ट करें। जितना खेलेंगे उनकी बॉडी भी अपना फिट रहेंगे बॉडी भी और अपना अच्छा करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने बॉडी हैं सब गेम्स में इनको प्रतिभाग लेना चाहिए बच्चों को। जनपद में सरयू और राप्ती नदी का जलस्तर के बढ़ने से शहर से लेकर देहात तक के इलाकों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद में अगले 2-4 दिनों में सरयू नदी के पानी के घटने की संभावना है। साथ ही साथ सरयू नदी के पानी के घटने के साथ राप्ती नदी का पानी भी घटना प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर बड़हलगंज और गोला के क्षेत्र को 2 जोन में विभाजित कर दिया गया है और प्रत्येक जोन के लिए एक जिला स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है तथा बड़हलगंज क्षेत्र में लगातार 7 से 8 कम्युनिटी किचन चल रहा है। प्रत्येक कम्युनिटी किचन से प्रतिदिन 3 से 4 हजार लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि सभी के पास खाद्यान्न सामग्री पहुंच सके। राशन किट लोगों को मुहैया कराया जा रहा है ताकि उनके पास खाने पीने की व्यवस्था रहे। उन्होंने कहा कि जनपद में 240 गांव बाढ़ से प्रभावित है और करीब 300 नाव लगाई गई है और 12 मोटर बोट और बड़ी नाव प्रयागराज से मंगाया गया है तथा NDRF एवं SDRF और PSC वाहनी लगातार युद्ध स्तर पर लोगों के बचाव कार्य में कार्य कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा।
देखिए, इस समय नदियाँ आज एक गुड साइन ये है कि जो घाघरा जो सरयू नदी है वो अपर स्केल में जो डाउनफॉल जो उसका था वहाँ पर भी अपर स्केल में भी घट रहा है और नीचे भी नदियों का घटाव दर्ज हुआ है। तो ये उम्मीद है कि अगले दो चार पाँच दिनों में काफ़ी पानी घट जाने की संभावना है सरयू नदी से। साथ ही साथ सरयू नदी के घटने के साथ ही राप्ती नदी में भी घटाव दर्ज होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इससे ये उम्मीद किया जा सकता है कि अगले एक हफ्ते में काफ़ी हद तक पानी जो है वो डाउनफॉल हो जाएगा। बाढ़ क्षेत्रों में किन विभागों की ड्यूटी लगाई? देखिए, कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक विस्तृत दिशा निर्देश समस्त डिपार्टमेंट्स को दिया गया है। खासतौर से जो गोला और बड़लगंज का जो क्षेत्र है उसे जोन में विभाजित कर दिया गया है और प्रत्येक जोन के लिए एक जिला स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है जिलाधिकारी महोदय द्वारा। और साथ ही वहाँ पर जो रिलीफ कैंप चलाए जा रहे हैं, रिलीफ कैंप के लिए भी SDM स्तर के अधिकारी गण को उसमें एज अ नोडल ऑफिसर सर द्वारा नामित किया गया है। और जहाँ युद्ध स्तर पर रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य चल रहा है, तकरीबन इस समय उक्त उन मतलब गोला और बड़लगंज क्षेत्र में नियर अबाउट हमारे 7 से 8 कम्युनिटी किचन वहाँ पे लगातार चल रहे हैं। प्रत्येक कम्युनिटी किचन से पर डे तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोगों को आच्छादित किया जा रहा है जिससे कि सभी तक खाद्यान्न सामग्री पहुँच सके। तो लगातार ये पका भोजन पैकेट भी लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। साथ ही जो राशन किट है जो तकरीबन जिसमें 45 से 48 किलो का सामग्री है वह भी जो बाढ़ जहाँ भी पानी उतर रहा है वहाँ के लोगों को वो राशन किट भी मुहैया कराया जा रहा है जिससे कि उनके पास समुचित खाद्यान्न की व्यवस्था रहे। सर, कितने गांव प्रभावित हैं और कितने नावों की व्यवस्था है? देखिए, 240 ग्राम प्रभावित हैं और तकरीबन 300 नावें यहाँ पे चल रही हैं। और इस समय हम लोगों ने 12 हमारे जो मोटर बोट्स हैं वो हम लोगों ने प्रयागराज से मंगाई हैं। तकरीबन 8 बड़ी नावें हम लोगों ने प्रयागराज से मंगाई हैं और लगातार इन क्षेत्रों में समुचित व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। NDRF और SDRF की टीमें वहाँ से पर पूर्व से ही वहाँ पे प्री डिप्लॉयड हैं। 20वीं वाहिनी PSC की भी टीम भी वहाँ पे पूर्व से ही डिप्लॉयड है और सभी मतलब से सहयोग लेकर के राहत खाद्यान्न वितरण और लोगों को रेस्क्यू रिलीफ का कार्य किया जा रहा है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का प्राथमिकता के आधार पर हो वितरण, बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की ना होने पाए समस्या। अवैध रूप से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने वाले गैंग के 4 सदस्यों के ऊपर खजनी थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा किया दर्ज। SP साउथ ने कहा, अभियुक्त एक ही जमीन का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कई लोगों को थे बेचते। गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। UPSSC द्वारा आयोजित PET परीक्षा 67 केंद्रों पर सकुशल हुआ संपन्न। 32,688 परीक्षार्थियों में से 22,234 परीक्षार्थी परीक्षा में हुए शामिल। 10,454 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। ADM सिटी विनीत कुमार सिंह ने दी जानकारी। जिला पंचायत सदस्य का बांसगांव थाना क्षेत्र में हर्ष फायरिंग की घटना का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। SP साउथ ने कहा, मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। UPSSC द्वारा आयोजित PET परीक्षा में MSI इंटर कॉलेज में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले सॉल्वर पंकज पटेल को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महाराणा प्रताप महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। मुख्य अतिथि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह ने कहा, मातृभाषा में चिंतन और सांस्कृतिक अस्मिता की संवाहक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सेवा की दृष्टि से शिक्षा ग्रहण करना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल मंत्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है महंत दिग्विजय नाथ के राष्ट्रवादी विचारों का समावेश। जनपद में PET परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को 200 से अधिक बसों के माध्यम से परिवहन निगम के द्वारा पहुंचाया जा रहा है उनके गंतव्य को। परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा, आवश्यकता के अनुसार दूसरे डिपो के बसों को भी बुलाकर अभ्यर्थियों को बैठा कर भेजा जा रहा है घर। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्त वीरेंद्र निषाद को राजगढ़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1.5 किलोग्राम नाजायज गांजा किया बरामद, भेजा जेल।
डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ गोरखपुर के तत्वावधान में 10वीं जिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का किया गया आयोजन। विभिन्न विद्यालय के 160 बच्चों ने किया प्रतिभाग, 50 ने स्वर्ण, 48 ने रजत तथा 41 बच्चों ने कांस्य पदक किए अर्जित। डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ गोरखपुर के सचिव गुलशेर सिंगल ने कहा, प्रत्येक अभिभावक को अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलने पर भी देना चाहिए ध्यान। और जनपद में अगले 2-4 दिनों में सरयू और राप्ती नदी के जलस्तर के घटने की है संभावना। बड़हलगंज और गोला को 2 जोन में विभाजित कर जिला स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में किया गया नामित। बाढ़ से प्रभावित 240 गांव में करीब 300 नाव और 12 मोटर बोट की सहायता से राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर है जारी। जिला आपदा विशेषज्ञ ने दी जानकारी। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।